हाय एवरीवन, आज फिर से एक टिप के ऊपर बात करेंगे हम. तो मैं इसमें बात करूंगी अपनी मिस्टेक्स के ऊपर, हैं जो मैं करती हूं उनसे सीखती हूं, फिर ट्राई करती हूं कि नेक्स्ट टाइम ना हो. तो इस बार मैंने अपनी लेटेस्ट ड्राइंग में एक मिस्टेक की थी. वो मिस्टेक क्या थी, मैं ग्रिड टेक्निक यूज़ करती हूँ ना अपने बड़े पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए, जो थोड़ा मुझे हाइपरलिज्म में वर्क करना है जिसपे. तो फिर उसके लिए मैं अगर कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ तो लाइक सिंपली आई विल शो यू. मैंने लाइन ड्रॉ की और थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, फिर मैंने उसको रब किया, फिर मैंने इधर ड्रॉ किया लाइक. तो मैं रब करने से, और ये हाँ इवन ये मेरा जो मैकेनिकल पेंसिल है ये 4B है, मैं इसको यूज़ करती हूँ, ये मेरी गलती है बहुत बड़ी. तो मैंने आपसे सोचा है मैं HB पेंसिल या फिर H पेंसिल, मेरे पास है नहीं, मैं खरीदूँगी कोई H पेंसिल यूज़ करा करूँगी. तो उससे क्या है ना, ये थोड़ा सा अंदर डेप्थ में ये नहीं जाएगा, काफ़ी लाइट शेड होगा उससे. और ये मेरा कंट्रोल नहीं रहता इस पर, जब मैं बहुत लंबे एरिया में लाइन खींचती हूँ तो ये काफ़ी अंदर तक इसके ये लाइन ड्रॉ जाती है इसमें, और पेपर पे थोड़ा सा लाइन दिखने लगती है ये मिटाने के बाद भी, मतलब इसमें क्या कहेंगे, गड्ढा हो जाता है. तो फिर उसके अंदर चारकोल फिल करने में दिक्कत होगी, या फिर सिंपली मैंने जब स्किन मुझे लाइट टोन ड्रॉ करना था तो मैंने सिंपली एक HB पेंसिल ली, और ये काफ़ी ज़्यादा रब करने की वजह से मैंने कई कई जगहों पर रब किया है, ठीक है, और हाथ हाथ भी लगाया ऐसे ऐसे करने के लिए. तो उसके बाद फिर मैं अगर इस एरिया में, जो कि काफ़ी डैमेज हो चुका है ऑलरेडी, इस एरिया में मैं अगर बहुत लाइट हैंड से शेड करना चाहूँ और उसके बाद ब्लेंड करना चाहूँ, तो मैं ब्लेंड करके दिखाऊंगी अभी, रुको. ये मैं बहुत ज़्यादा लाइट हैंड से नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको एक एग्जांपल शो करना है. इससे भी ज़्यादा लाइट कर सकते हैं हम, और थोड़ा सा ग्रिप के साथ, और ज़्यादा पेशेंस के साथ, बट फॉर एन एग्जांपल इसको जल्दी से दिखाते हैं. इस एरिया में बहुत लाइट पेंसिल है अभी, इसमें ज़्यादा दिखेगा नहीं हाँ अब थोड़ा दिख रहा है कि नहीं. तो इसको मैंने पहले सोचा ये हाँ बड़े ब्रश से ब्लेंड करूँगी, तो मैंने ये फ्लैट सरफेस का ना लेके मैंने थोड़ा सा ये वाला ब्रश लिया था, इसमें फ्लैट नहीं है ऑलमोस्ट, सरफेस थोड़ा सा राउंड है, आर्क फॉर्म है. तो मैंने ऐसे करा था, तो उससे हुआ क्या था, देखो यहाँ डार्क हो गया है ये एरिया, और प्लस ये देख रहे हो आप, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये रब करने से ख़राब हुआ है. ये पेपर है, पेपर थोड़ा डैमेज हुआ, और ये ऊपर जो इनर सरफेस और आउटर सरफेस में डिफरेंस काफ़ी बढ़ गया मिटाने से, और आउटर सरफेस डार्क हो गई, इनर सरफेस लाइट रह गई, और ये डेप्थ में नहीं गया पूरा इक्वली. इस वाले ब्रश से फिर मैंने थोड़ा और कोशिश की कि मैं इसको डेप्थ में डालूँ, बट होता क्या चला गया, ऊपर वाला सरफेस डार्क होता चला गया यहाँ का, ये लाइट रहा, ये डार्क होता चला गया. और फिर मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैंने ये अपना हाँ मैंने नीडेबल रेज़र ली पहले. तो नीडेबल रेज़र में मैंने सोचा कि इससे थोड़ा बहुत, बट इससे बहुत काम बढ़ जाएगा, बट ट्राई किया मैंने कि कुछ कुछ पिक कर लूँ मैं इसमें से पिगमेंट्स ऊपर का, लेकिन नहीं हो रहा था, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा अंदर चला गया, ये पता नहीं क्या हुआ कि इतना पिक नहीं हो रहा था. ये फिर भी सही है, वो जो डैमेज हुआ था मेरे से वो काफ़ी उसमें डार्क ऊपर लेयर चढ़ गई थी, ग्रेफाइट पाउडर यूज़ किया था मैंने उसी की. देखो ये नहीं हो रहा, ये अनइवन हो गया और ज़्यादा, इससे भी काम नहीं बना था. देन मैंने टिश्यू पेपर यूज़ किया था, मेरे पास ये बहुत सॉफ्ट वाला था, पहले हार्ड वाला यूज़ किया उससे भी काम नहीं बना, सॉफ्ट वाला यूज़ किया था मैंने.
थोड़ा ये इक्वल सरफेस लेके यहाँ पे, उससे कुछ थोड़ा सा फर्क आया था, बहुत थोड़ा सा, है ना, वापस पहले जैसा हो गया था बट। तो फिर मैंने सोचा कि पेंसिल इरेजर को यूज़ करके ट्राई करते हैं, तो मैंने यूज़ किया। तो उससे मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ से जितना अमाउंट मुझे चाहिए था वो मैं पिक कर पा रही थी प्रॉपर। नीडेबल इरेजर से क्या ज़्यादा पिक हो जाता है, इससे हम जितना चाहें उतना पिक कर सकते हैं, बिकॉज काइंड ऑफ पेंसिल, तो हमारा प्रेशर पे काफ़ी डिपेंड करता है इसमें। तो इससे मैंने अगर पिक करने की कोशिश की ना इधर, तो इसमें तो इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता, उसमें बहुत टाइम लगा था मुझे। काफ़ी बार मुझे कहीं होल्स में ऐसे बहुत लाइट हैंड से, तो मेरा हैंड थोड़ा शेक कर रहा है इधर, ये होल्स है ना जो ये एरियाज हैं ये फिल किए थे मैंने, बहुत वर्क हुआ था उसमें। उन ड्राइंग में आपको दिखाती हूँ वो एक्चुअल में क्या थी, और उसके बाद ये सारे जो मैंने ट्राई किए थे मेथड्स, इनसे कितना फ़र्क पड़ा बाद में। ऐसे भी मैंने मूवमेंट किया था, थोड़ा सा वो एरिया ज़्यादा डार्क हो गया, तो ये मैं बहुत लाइट प्रेशर से यूज़ कर रही हूँ, तो हल्का हल्का जो ऊपर वाला सरफेस है ना इस पेपर का, तो वो लाइट हो सके, जो इधर वाला टोन है उधर वाला टोन है बराबर थोड़ा आ सके। वो उतना ज़्यादा इवन टोन नहीं बन पाया फिर भी इन दी एंड, कुछ और सॉल्यूशन मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगी, फिलहाल मैंने उसको उसी वे में छोड़ दिया है, तो इतना ज़्यादा अभी ट्राई नहीं किया है उसमें। लेकिन ये सॉल्यूशंस थे और ये प्रॉब्लम्स थी जो आई थी, और ये सब मैंने ट्राई किया था अपना कुछ टेक्निक्स, मैंने कुछ लोगों से भी पूछा था, तो उनने अपने बताया था, सॉल्यूशन दिए थे अपने, तो वो सब ट्राई ही किया मैंने ऑब्वियसली, तो बाकी मेरा खुद का कुछ दिमाग मैंने लगाया। तो ओवरऑल अगर हाँ, इससे कॉन्क्लूजन यही निकलता है, अगर आप किसी पेपर पे बहुत ज़्यादा रब कर रहे हैं और फिंगर्स टच कर रहे हैं, और वो पेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रफ पेपर है, ये मीडियम स्मूथ टेक्सचर का पेपर है, तो अल्ट्रा स्मूथ तो है नहीं, तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा लाइट अगर शेड देना है, ग्रेफाइट पाउडर से ही लाइट शेड बहुत अच्छा आता है, तो उससे देना है तो ये अनइवन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ना ऑलरेडी एक यहाँ पे लाइन भी दिख रही है जो मैंने रब की थी, वो हल्की सी लाइन भी शो हो रही है, तो बहुत ज़्यादा इवन टोन नहीं दे सकते आप अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो। अगर आपने बिल्कुल टच नहीं किया, आप थोड़ा इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हैं अपने स्ट्रक्चर बनाने में कि आपको ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत आपने यहाँ पे एक शीट लगा के और बिना कुछ टच किए ओनली पेंसिल उस एरिया में टच किया, आपने पूरा ड्रॉ किया है, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आप इस वाले ब्रश से सिंपली पेंसिल, ये पेंसिल यूज़ करके शेड दे के, और इवन इससे ये वाइट ब्रश कोई भी लेके, ये वाला वाइट ब्रश नहीं तो आई थिंक कुछ आर्टिस्ट को मैंने नॉर्मली छोटा ब्रश भी यूज़ करते हुए देखा है, लाइक छोटा कोई भी ब्रश, वो डिपेंड करता है वो किस में कम्फर्टेबल है, बहुत वो कोई भी ये पिगमेंट्स उठा के दूसरे पेपर पे थोड़ा क्लीन करके उसके बाद वो लोग इन ब्रशेस से ही काफ़ी इवन टोन क्रिएट कर देते हैं। तो मेरा ये पेपर इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, तो इसमें इससे इवन टोन तो बिल्कुल नहीं आ रहा वैसा। ये देखो इसमें भी अगर मैं डार्क दिखाती हूँ ना करके, तो मैं इससे नहीं देके मैं इससे देती हूँ, तो मैं मुझे और ब्रशेस चाहिए ये पता लगाने के लिए, और स्मॉल ब्रशेस मैं लूँगी कि इवन टोन कैसे दूँ मैं। ये लार्ज एरिया में इवन टोन देने के लिए अच्छा है ये सॉफ्ट ब्रश।
बट थोड़ा डार्क, इससे ज़्यादा। देखो इसमें पेपर्स में ऑलरेडी कितने बम्स हैं, ये अंदर होल्स हैं कि इवन आ ही नहीं रहा है। बट पेपर अगर अच्छा है ना तो आपका ये इवन टोन आएगा। इसमें देखो लाइंस क्रैक्स आ रहे हैं ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे कुछ हुआ होगा। तो वही है, ये सब चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ उसके सॉल्यूशंस जो मैं यूज़ करती हूँ। अगर मैं पेपर का प्रॉब्लम है प्लस एक्सपीरियंस का दिक्कत है कि मैं इतना अच्छा फर्स्ट हैंड इन फर्स्ट हैंड ड्रॉ नहीं कर सकती फ्री हैंड, तो पेपर थोड़ा डैमेज होता है, तो उसके लिए लाइट टोन्स के लिए थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन हाँ, लेकिन सॉल्यूशंस भी हैं, आप काफ़ी हद तक बेटर बना सकते हो जैसे आपने बनाया उससे, अगर ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो ट्राई करेंगे आप। ओके, तो नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कोई टिप दूंगी। ओके, चलो मिलते हैं फिर, बाय।